हेलो दोस्तों, नमस्कार ये दोस्तों, मशीन है जिसमें टॉप लोड की थोड़ा सैमसंग की। सा इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है स्पिन मोड पे नहीं चल कि रही है, ये ड्रेन नहीं कर रही है, इससे और प्रॉब्लम मैं आ रही इसमें है। ठीक प्रोग्राम दे रहा हूँ स्पिन मोड का। चेक करते हैं इसको स्पिन मोड पे। एक्चुअली प्रोग्राम दे दिया, स्टार्ट कर दिया। ये लाइट ऑन है यहाँ से, तो देखते हैं। अभी स्पिन पे किया तो कुछ सेकंड बाद स्पिन चलना चाहिए, तो इंतज़ार करते हैं स्पिन का। तो स्पिन अभी तक चला नहीं, और मोटर की आवाज़ आ गई नीचे से टक्क देसी की। जो हमारा स्पिन मोटर है वो प्रॉपर काम कर रही है, पर स्पिन हो नहीं रहा। इसके अंदर पानी खड़ा था दोस्तों, पानी अभी ऐसे कैसे है तो स्पिन नहीं हो रहा है। तो जब तक पानी ड्रेन नहीं होगा तो स्पिन नहीं होगा, लाजमी बात है। तो इसके अंदर फॉल्ट है स्पिन का। तो जब मैंने इसके अंदर एक्चुअली चेक किया क्या था, मैं इसमें दोबारा प्रोग्रामिंग दे रहा हूँ ऑन ऑफ करके। तो अभी यहाँ भी देखते रहिए, मेरी बात भी सुनिए। तो मैंने इसके अंदर जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, इसका स्पिन का पानी रुका हुआ, ड्रम पानी का भरा हुआ था तो पानी ड्रेन नहीं हो रहा था। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए जो नए हैं। तो ड्रम में देखा तो पानी भरा हुआ था, और एक ख़ास बात है फ्रंट लोड टॉप लोड की, और फ्रंट लोड की भी ये, जब तक ड्रम में पानी भरा रहेगा तो वो ड्रे स्पिन मोड पे नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम प्रेस, ये देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, हिल रहा है। ये मैंने खोल के दिखाया, तो अब डोर एरर भी नहीं आ रहा, आपने देखा होगा अभी। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, मैं वॉश मोड पे लगा रहा हूँ, वॉश मोड चेक करते हैं पानी आ रहा है या नहीं, मशीन पानी ले रही है या नहीं। मैंने अभी वॉश मोड सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं पानी को। देखिए पानी आ चुका है, पर वॉश मोड चल रहा है, स्पिन नहीं चल रहा, पानी भी नहीं ड्रेन हो रहा है। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, स्पिन मोटर भी ठीक थी, पीछे भी पूरा काम कर रही थी, तो इसके अंदर फॉल्ट ये था दोस्तों। मशीन में क्या होता है कि जैसे ड्रम में पानी भरा रहेगा, तो जब हम स्पिन मोड पे आती हैं मशीन वॉश करने के बाद, तो ड्रम में पानी भरा रहेगा तो जो प्रेसिपिटेट सेंसर लगा होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो उसमें प्रेशर बन जाते हैं। तो जब तक पानी ड्रेन नहीं होगा तो स्पिन मोड पे चलेगा नहीं, क्योंकि वो सेंस करता रहता है पानी है भाई, तो तब तक उसे स्पिन मोड पे नहीं लेके जाएगा। हम यहाँ से प्रोग्राम तो कर देंगे पर स्पिन मोड करेगा नहीं। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, तो मैंने देखा तो इसके ड्रेन पाइप में ना कचरा थोड़ा अड़ा हुआ था, तो मैंने कचरा साफ़ करके ड्रेन पाइप साफ़ की, तो देखा तो हाँ बस उसके बाद प्रॉब्लम निकल गई। उसके बाद मैंने इसको रिपेयर करने के बाद ये अब दुखी दूसरा वीडियो एडिट किया मैंने वीडियो, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। अभी मैंने इसमें फिर स्पिन मोड पे किया दोबारा, तो ये ओके चलने लगी। तो मैंने उसके बाद एक वीडियो बनाई स्पिन मोड के लिए। तो अभी मैंने वॉश मोड चेक किया, ओके था। तो अब स्पिन मोड चेक करते इसका, जब मैंने इसको पूरा प्रॉपरली रिपेयर किया, तो अभी हम स्पिन मोड चेक करेंगे इसका। रिपेयर करने के बाद ड्रेन पाइप साफ़ किया मैंने इसका, और अब ये स्पिन मोड पे किया मैंने, अब ये प्रोग्राम दे दिया है। तो अब स्पिन चेक करते हैं। इसमें जब मैंने ड्रेन पाइप साफ़ किया और डम्पर वाल भी, तो ये प्रॉब्लम हट चुकी थी। तो अब देखिए कुछ ही सेकंड में स्पिन मोड चल जाएगा। तो दोस्तों कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आती, तो जो दोस्त नए हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय। और ये देखिए स्पिन मोड पे भी चलेगी, ये देखिए दोस्तों स्पिन मोड पे चल चुकी है। दोस्तों मैं कभी फेक वीडियो नहीं डालता, जो वीडियो डालता हूँ जेन्युइन वीडियो होती हैं। और आपको मैं बता दूँ, कस्टमर के घर वीडियो बनाना सबसे बड़ा ख़तरनाक काम है, क्योंकि कस्टमर कुछ भी सवाल कर सकता है, ये क्या है। अब देखिए मैं डोर खोलूँगा तो एरर आ जाएगा, तब डोर खोलने से एरर नहीं आ रहा था स्पिन मोड पर भी, देखिएगा। अब मैं डोर खोलता हूँ, इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाएंगे क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले नहीं है। ये देखिए, अब देखिए ये वॉश मोड साइड के सभी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं और ड्रम रुक चुका है। तो दोस्तों अभी प्रॉपरली काम करें तो आपको एक और नॉलेज का पता चल गया। अगर इसमें कभी डोर ओपन की प्रॉब्लम आती है, अगर डिस्प्ले ना हो, तो ये इंडिकेटर नोट कर सकते हैं आप इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये एरर है एक दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छी लगे और भी तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।